इसमें जो टैलेंट है ना वो और किसी में नहीं है। इसकी शादी भी काबिल लड़के से की है, ये समझदारी की पहचान है। जो आदमी अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकता है वो किसी काम का नहीं। माफी चाहता हूँ सासू माँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मुझे माफ करना, अब तुम्हें मरना ही होगा। आज सुबह सुबह ही पुलिस ने इस नदी के किनारे से एक लाश को बरामद किया है। इसकी बॉडी देख के लगता नहीं कि वो वहां खुद डूबा होगा, पहले इस पर हमला हुआ होगा, फिर इसे पानी में फेंका गया होगा। 4 जुलाई को ही ली की बहन की मौत हुई थी। वो यहाँ पर उसके साथ पेपर जलाने के लिए आया था। ऐसे दुख भरे मौके पर कोई अपने लवर को होटल में क्यों बुलाएगा? मैंने कत्ल नहीं किया, आपका शक बेबुनियाद है। मेरा एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर क्यों होगा? पहले तो उस होटल के सीसीटीवी का खराब होना और फिर उसके बाद ये सब कुछ। दोपहर में जब सूरज तपने लगता है सारी मछलियां पानी में अंदर चली जाती हैं, लेकिन अगर दाना डालो तो सारी फिर से ऊपर आती। गाड़ी को धोना नहीं चाहिए था। इस कातिल को ना सिर्फ एंटी इन्वेस्टिगेशन का स्ट्रॉन्ग सेंस है बल्कि वो काफी शातिर भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैंने अपने पति का कत्ल किया है?